everyone, welcome back to my channel Ruby Dash Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this beautiful front open velvet dress designing, so please keep watching this video till the end. So finally guys, this video is out. As you know, winter season में velvet dresses का इतना ज़्यादा craze रहता है. I am getting so many of comments because अभी तक हमने इस सीज़न की velvet dress designing अपलोड नहीं की है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई वेरी फर्स्ट velvet dress designing video ऑफ दिस सीज़न. हमारे सीज़न की सबसे पहली velvet dress designing video होने वाली है. सो गाइज, यहाँ हमने मीडियम साइज फ्रंट ओपन इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप्स में की है. एंड गाइज, अगर आप हमारी सारी ही वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो यहाँ आपको पता चल गया होगा. इसके साथ में हमने जो फुल सर्कुलर प्लाजो वेयर किया है, इस ब्यूटीफुल प्लाजो की डिज़ाइनिंग वीडियो हमने ऑलरेडी ही अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सबसे पहले यहाँ हम फेब्रिक देख लेंगे. फेब्रिक के लिए यहाँ पर हमने अबाउट हाफ मीटर फेब्रिक ओनली स्लीव्स के लिए वेलवेट फेब्रिक यूज़ किया है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी दी गई है. यू कैन सी यहाँ पर हमने ओनली हाफ मीटर फेब्रिक ही यूज़ करना है इस फेब्रिक का. इसके बाद गाइज, हमने जो मेन फैब्रिक लिया है यहाँ पर हमने 3.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक. एंड इस फैब्रिक की विद अबाउट 50 इंचेस है. सो गाइज, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का ये वेलवेट फैब्रिक है. सो सबसे पहले गाइज, हमने बॉडीज़ की कटिंग करनी है. बॉडीज़ की कटिंग करने के लिए यहाँ हमने फेब्रिक को फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो गाइज, इसकी लेंथ यहाँ पर 15 इंचेस है. एंड फोल्ड करने के बाद फैब्रिक विद यहाँ पर 11 इंचेस है. सो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे. शोल्डर के लिए हमने 7 इंचेस का मार्क कर लिया है. आर्म होल के लिए हम 7.5 इंचेस का आर्म होल मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. देन हमने इसकी आर्म होल शेप मार्क कर लेनी है. नाउ वी विल मार्क फॉर बस्ट. बस्ट के लिए यहाँ पर गाइज, हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे, जिसमें 1 इंचेस हमने लूजिंग एड की है. एंड गाइज, यहाँ वेस्ट के लिए हम 9 इंचेस पर मार्क करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 इंचेस की लूजिंग एड की गई है. उसके बाद गाइज, हमने फ्रंट आर्म होल के लिए आर्म होल डीप मार्क कर लेना है. ऊपर की तरफ से हाफ इंच का शोल्डर रिप मार्क करेंगे. सो गाइज, यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है. अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है. ओपन करेंगे, बैक पार्ट को एक साइड कर लेंगे. अब हमने फ्रंट पार्ट को अगेन फोल्ड कर लेना है, टू फोल्डेड. देन इसके आर्म होल के लिए हमने अबाउट हाफ इंच का आर्म होल रिप कट कर लेना है. सो गाइज, यहाँ हमने सबसे पहले अब बैक पार्ट के लिए नेक कटिंग करनी है. नेक विड्थ के लिए 3 इंच लेंगे. बैक पार्ट के नेक डिप के लिए हमने 4.5 इंचेस की नेक डिप ले ली है. इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने नेक राउंड मार्क कर लेना है. एंड इसकी कटिंग कर लेंगे. कटिंग करने के बाद गाइज, हमने बैक पार्ट को ओपन करना है. ओपन करने के बाद गाइज, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए. यहाँ पर हम ये फेब्रिक स्ट्रिप यूज़ करेंगे, जिसकी विद यहाँ पर अबाउट 1.5 इंचेस है. स्ट्रिप को इस तरीके से हमने टू फोल्डेड करते हुए नेक राउंड पर रख लेना है. एंड इसको वन टाइम स्टिच कर लेना है. सो गाइज, यहाँ हमारी स्ट्रिप वन टाइम स्टिच हो गई है. अब इसको अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है. सो गाइज, अब हमने फ्रंट पार्ट की नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने कैनवास फैब्रिक ले लिया है. इसको पेस्टिंग पेपर भी बोलते हैं. अब इसको टू फोल्ड कर लेना है बीच से. एंड गाइज, नेक के लिए 3 इंचेस की नेक विड्थ मार्क करेंगे. नेक डिप के लिए हमने यहाँ पर अबाउट 6 इंचेस की नेक लेंथ ली है. आप चाहो तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं. अब गाइज, हमने बॉक्स बनाते हुए नेक की शेप दे देनी है. सो गाइज, यहाँ पर हमने कुछ नेक की शेप इस तरीके से देनी है. नीचे की तरफ से हमने अबाउट 2.5 इंचेस पर एक मार्क लगा लेना है. मार्क लगाते हुए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से तिरछी लाइन. अब गाइज, हमने अबाउट हाफ इंचेस का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से. सो गाइज, यहाँ हमारा नेक पैटर्न कट हो गया है. अब हमने इसको फैब्रिक पर स्टिच करना है. यहाँ हमने फैब्रिक ले लिया है, फैब्रिक का एक पीस ले लिया है. ये हमारा शेंटोन फैब्रिक है. इस पर इस तरीके से रखते हुए हमने नेक को आयरन कर लेना है. एंड वन टाइम स्टिच भी कर लेना है. सो गाइज, यहाँ पर हमने नेक को वन टाइम स्टिच कर दिया है, यू कैन सी. अब गाइज, हमने अबाउट हाफ इंचज़ का फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर लेना है फॉर फोल्डिंग. सो इस तरीके से हमने यहाँ पर
का हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारे फैब्रिक पर नेक पैटर्न स्टिच हो गया है, यू कैन सी। अब गाइज हमने इस नेक को अपने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट पर ऊपर की तरफ से मिड पॉइंट का एक कट लगा लेना है। वैसे ही हमने जो फैब्रिक पर नेक स्टिच किया है इसको भी हमने ऊपर की तरफ से एक कट लगा लेना है। अब गाइस हमने मेन फैब्रिक के ऊपर हमने नेक को रख लेना है राइट साइड में। आप ध्यान रखें दोनों की साइड राइट मैच होते हुए हमने इसको वन टाइम नेक को स्टिच कर लेना है। यू कैन सी यहाँ हमारा नेक वन टाइम स्टिच हो गया है। अब गाइस अबाउट हाफ इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं कॉर्नर में, जैसे कि ये हमारा नेक अंदर की तरफ इजीली टर्न हो सके। सो गाइस यहाँ हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब गाइस हमने इस नेक को अंदर की तरफ टर्न कर लेना है, यू कैन सी इस तरीके से। अब गाइस हमने इस पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है जिससे कि हमारे नेक में और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। सो गाइस यहाँ पर हमने इस पर एक और नेक स्टिचिंग लगा दी है, यू कैन सी हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो गया है। गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट को अगेन से टू फोल्डेड कर लेना है। नीचे की तरफ से एक छोटा सा मिड पॉइंट पर कट लगा लेना है। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज हमने रफली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हम फ्रंट पार्ट के जस्ट मिड में ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो गाइज अब हमने स्ट्रेस को और ज़्यादा इन्हेंस करना है, जिसके लिए यहाँ पर अबाउट 3 मीटर हम इस लेस का यूज़ करेंगे। ये हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, आप चाहो तो कोई अदर कलर भी ले सकते हैं, बिकॉज हमने जो इसमें स्लीव अटैच करेंगे एंड स्लीव के फैब्रिक पर जो हमें एम्ब्रॉयडरी दी गई है वो गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी दी गई है। सो इसलिए यहाँ पर हमने गोल्डन लेस का यूज़ किया है। इसको हमने स्टिच कर लेना है सिंपली दोनों ही साइड से। सो गाइस हमने बहुत फ्री हैंड से इस लेस को स्टिच करना है, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी प्लेट्स नहीं बननी चाहिए। तो सबसे पहले हमने इस लेस को स्ट्रेटली स्टिच कर लेना है। एंड गाइस कॉर्नर पे हमने हल्की सी लेस को फोल्ड करते हुए इस तरीके से टर्न कर लेना है। वैसे ही जब हम फ्रंट पार्ट पे आ जाएं, फ्रंट पार्ट पे भी हल्की सी इस लेस को फोल्ड करते हुए हमने टर्न कर लेना है सीधा ही। सो गाइज यहाँ हमने लेस में बिना कट लगाए एक साइड से इसको स्टिच कर दिया है, वैसे ही हमने सेकंड साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारी लेस स्टिच हो गई है। लेस स्टिच करने के बाद हम इसमें कुछ फिटिंग के लिए डार्ट्स की मार्किंग कर लेंगे। सो गाइज हमने यहाँ पर लेस को स्टिच कर लिया है। अब गाइज हमने इसमें डार्ट्स की मार्किंग करनी है। फैब्रिक को हमने इस तरीके से दोबारा से फोल्ड कर लेना है टू फोल्ड करने के बाद गाइज हमने इसको जस्ट मिड से फोल्ड करना है, आप ध्यान रखें। एंड गाइज अब हम इसमें मार्किंग करेंगे डार्ट्स के लिए। यहाँ पर हमने 3 इंचेस की दूरी पर मार्किंग कर दी है। नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जो हम लेंथ लेंगे वो 4 इंचेस लेंथ लेंगे इस डार्ट की। सो गाइज अब हमने इस तरीके से शेप दे देनी है डार्ट की। अबाउट 1/2 इंचेस फैब्रिक लेते हुए हमने इस डार्ट को स्टिच कर लेना है। सो गाइज अब हमने दूसरी साइड भी इस डार्ट को ट्रेस कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने अब दोनों ही तरफ से हल्का हल्का सा फैब्रिक लेते हुए स्टिच कर लेना है। सो बेसिकली गाइज क्या होता है, जब हम डार्ट लगाते हैं तो हमारे ड्रेस में फिटिंग ज़्यादा अच्छी आ जाती है। सो गाइज यहाँ हमने ये डार्ट लगा ली है, आप इसको लगा भी सकते हैं, दिस इज़ ऑप्शनल, अगर चाहो तो नहीं भी। अब गाइज हमने बैक पार्ट को इसके फ्रंट पार्ट के साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए हमने दोनों पार्ट्स रख लेने हैं। फर्स्टली हम शोल्डर स्टिच करेंगे, देन अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने इसके साइड्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने शोल्डर एंड साइड्स को स्टिच कर लिया है। अब गाइस हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। सो आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड में हमने इसको टर्न कर दिया। ये हमारा बॉडी इज रेडी हो गई है। अब गाइस हमने स्लीव की डिज़ाइनिंग करनी है। स्लीव की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने 1/2 मीटर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। एंड गाइस स्लीव की लेंथ यहाँ पर 21 इंचेस है। एंड फोल्डिंग होने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ 9 इंचेस है। सो गाइस हमने 9 इंचेस का आर्म होल मार्क करते हुए 2.5 इंचेस के आर्म होल डीप मार्क करेंगे। इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे हमने। सो गाइज यहाँ हमारे आर्म होल की शेप हमने इस तरीके से दे दी है। अब गाइज हमने इसकी रिस्ट राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। सो रिस्ट राउंड के लिए हमने अबाउट 6 इंचेस की मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज अब हमने जो आर्म होल डीप मार्क किया था उससे हमने जो रिस्ट वाली मार्किंग है इनको ज्वाइन कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारे स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हमने इसके एज इट इज कटिंग कर लेनी है। सो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें दो स्लीव्स मिल जाएंगी। अब हमें एक स्लीव को एक साइड कर लेना है, वन स्लीव को आपको स्टिच करते हुए दिखाते हैं। सो गाइस इस तरीके से हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, हल्का सा फैब्रिक लेते हुए रिस्ट में नीचे की तरफ। एंड गाइस उसके बाद हमने इसको उसके बाद हम इसमें लेस यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आप चाहो तो ये लेस स्किप भी कर सकते हैं, बट गाइस अगर आपने ड्रेस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है तो यहाँ पर आप स्लीव के बॉटम में लेस स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर लेना है। सो यहाँ हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर दिया है, साथ में ही इसकी रिस्ट आर्म में हमने लेस भी ऐड कर दी है, यू कैन सी। सो गाइस ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है, वैसे ही हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी बॉटम की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है अबाउट। हमने इस फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद ये हमारा फैब्रिक स्क्वायर हो जाएगा, इसकी लेंथ एंड विड्थ अबाउट 50 इंचेस रहेगी 2 फोल्ड करने के बाद। देन अगेन से हमने इसे बीच से पकड़ते हुए इसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेना है। सो गाइज अब हमने इसकी बस के लिए मार्किंग करनी है। सो 28 to 32 इंचेस के लिए हमने यहाँ पर अबाउट 11 इंचेस की बस्ट मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने अबाउट 11 इंचेस की ये बस्ट मार्क कर ली है। अब गाइज हमने सारी ही मार्किंग्स को जॉइन करते हुए यहाँ पर राउंड शेप मार्क कर लेनी है। लेंथ के लिए गाइज हमने अबाउट 33 इंचेस की लेंथ मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। सो बेसिकली गाइज इसका जो हम बॉटम पार्ट बनाएंगे उसमें हमने फ्रंट से ओपन रखना है। सो गाइज यहाँ हमने 3 मीटर फैब्रिक को पहले 2 फोल्ड किया था, देन उसको स्क्वायर करने के बाद हमने उसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाते हुए कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया। सो गाइज जब हम इस तरीके से 3 मीटर फैब्रिक को फोल्ड करते हैं तो उसमें वन साइड में ही कट आता है बेसिकली। सो गाइज ये कट हम फ्रंट में रखेंगे। सो यहाँ हमने 33 इंचेस की मार्किंग करते हुए इसकी राउंड शेप मार्क कर ली है। सो गाइज आप चाहो तो लेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पर हमने 33 इंचेस ही लेंथ ली थी स्कर्ट की। बेसिकली इसके नीचे हम सर्कुलर प्लाजो पहनेंगे तो ऑलरेडी ही सर्कुलर प्लाजो में काफ़ी ज़्यादा घेर है, सो इसलिए इसकी लेंथ हमने 33 इंचेस ही रखी थी। अब गाइज हमने इस स्कर्ट पार्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं वन साइड से ये खुली हुई है। अब हमने दोनों साइड से इसको हल्का सा फोल्ड करते हुए सिंपली इसको वन टाइम कर लेना है। वैसे ही हमने दूसरी साइड से भी हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ हमने ये स्कर्ट वाले पार्ट को फ्रंट से ओपन रखेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे ही स्टिच कर लेना है। साथ में ही गाइस हमने बॉटम से भी इसको स्टिच कर लेना है, जिस तरीके से हमने साइड से इसकी स्टिच करनी है थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेते हुए, इसी तरीके से हमने बॉटम में भी हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसकी दोनों ही साइड्स को फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। यह हमारी दोनों साइड्स रेडी हो गई हैं। साथ में ही गाइस हमने इसके बॉटम को भी ऑल अराउंड से स्टिच कर दिया है, यू कैन सी। हमने इसको सर्कुलरली फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। सो गाइस अब हमने लेस यूज़ करेंगे। हमने अबाउट 3 मीटर लेस इसके नेक एंड फ्रंट ओपन में यूज़ करनी है। इससे हमने 3 मीटर ये वाली लेस का यूज़ हमने अबाउट 3 मीटर लेस यूज़ की है यहाँ पर। सो गाइस इस तरीके से हमने इस दोनों ही साइड्स में जो फ्रंट वाली साइड्स रहेंगी सिंपली हमने इस लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो यहाँ हमने वन साइड में ये लेस रखते हुए आपको स्टिच करना दिखा दिया है, वैसे ही हमने दूसरी साइड में भी इस लेस को सिंपली स्टिच कर लेना है। अब गाइज हम इसके बॉटम में भी अगर चाहें तो कोई अदर लेस भी अटैच कर सकते हैं। बॉटम के लिए यहाँ पर अबाउट 6 मीटर हम इस लेस का यूज़ करेंगे। ये हमारे गोल्डन कलर में ट्रायंगल लेस है जिसमें ट्रायंगल्स बने होते हैं इस तरीके की। एक कोटा पट्टी वाली लेस होती है जिसको हमने नीचे की तरफ से स्टिच कर लेना होता है। तो गाइज नीचे की तरफ से हमने ये एक और लेस स्टिच कर लेनी है। सो गाइज साइड्स में हमने इस लेस को इस तरीके से स्टिच करना है। जो बेसिकली हमारी चौड़ी वाली लेस है उसको हमने ओपन साइड में स्टिच करना है ऊपर की तरफ। जो हमारी स्ट्रेट वाली लेस आएगी उसमें हमने चौड़ी वाली लेस स्टिच करनी है। तो गाइज इस तरीके से बेसिकली काफ़ी चौड़ी लेस है, इसलिए हमने पहले एक साइड से इस लेस को स्टिच कर लेना है
कॉर्नर से, देन दूसरी साइड से भी हमने इसको स्टिच कर लेना है। फ्री हैंड से हमने इस स्लैस को स्टिच करना है। सो गाइज ये आप देख सकते हैं हमने दोनों ही साइड से स्लैस को स्टिचिंग दे दी है एंड ये बहुत अच्छे से स्टिच हो गई है। सो गाइज अब हमने बॉटम में लेस को स्टिच करना है। बॉटम साइड में हमने ट्राइंगल वाली लेस यूज़ की है जिसमें ट्राइंगल्स बने हुए हैं एंड ये ट्राइंगल्स गाइज हमने बाहर की साइड को रखते हुए स्टिच करने हैं एंड जो हमारी बॉटम पार्ट रहेगा इसकी ट्रॉन्ग वाली साइड से हमने स्लैब्स को स्टिच करना है। आप देख सकते हैं बेसिकली गाइस क्या होता है इस तरीके से जब हम इस स्लैब्स को स्टिच करते हैं तो इस स्लैब्स में जो ट्रायंगल शेप दी गई है वो स्टिच होने के बाद ओनली ट्रायंगल्स ही बाहर को निकले हुए दिखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो गाइस यहाँ हमने स्लैब्स को रॉन्ग साइड में स्टिच किया है एंड गाइस आप देख सकते हैं ट्राई करने के बाद इसको टर्न करने के बाद ये कितने ब्यूटीफुली इसके ट्रायंगल बाहर को निकल जाएंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस इस तरीके से हमें इस स्लैब्स को ऑल अराउंड में स्टिच कर लेना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारी सारी ही लेस स्टिच हो गई है। अब गाइस हमने इस बॉटम पार्ट को बॉडीज के साथ भी स्टिच कर लेना है। सो गाइस हम इसको क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। सो क्लोज करने के बाद जो हमने यहाँ दोनों ही साइड्स में लेसेस स्टिच की हैं ये लेसेस हमारे फ्रंट में आ जाएंगी। इस तरीके से ये हमारी फ्रंट ओपन ड्रेस रहेगी। अब गाइस हमने बॉडीज को स्टिच कर लेना है बॉटम पार्ट के साथ वेस्ट से एंड साथ में ही गाइस जो हमने स्लीव्स ऑलरेडी ही स्टिच करके रखी हुई थी हमने लास्ट में दोनों स्लीव्स को भी आर्म होल्स के साथ स्टिच कर लेना है। सो गाइस सबसे पहले हम स्लीव स्टिच करेंगे उसके बाद हमने वेस्ट से बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेना है। सो फाइनली गाइस यहाँ हमने दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर दिया है साथ में ही हमने बॉटम पार्ट को भी स्टिच कर दिया है वेस्ट से एंड गाइस दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस कुर्ती। इसी के साथ हमने प्लाजो भी रेडी किया है। सो गाइस ये हमारा सर्कुलर प्लाजो है जो हमने इसके साथ रेडी किया है। प्लाजो की करेंगे स्टिचिंग की वीडियो ऑलरेडी ही हमने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस इस छोटी सी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हमने सारे ही स्टेप्स को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप गाइस आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी योर सजेशंस एंड कॉमेंट्स, आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस इसी के साथ में अगर आपको वेलवेट की और भी न्यू ड्रेसेस के डिजाइन चाहिए तो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इससे पहले भी गाइस हमने अपने दोनों ही चैनल्स पर बहुत ही ब्यूटीफुल से वेलवेट ड्रेस डिजाइनिंग शेयर की हुई है, अगर आप चाहो तो वेलवेट की ड्रेसेस हमारे दोनों ही चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वॉन्ट टू डू बट ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।